मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए भड़वे, ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। इट इज फॉर पीस। ए उग्रवादी बोले नहीं तो आगे भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट डाउन। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिदुरी जी सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ। अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिख पढ़ रहे थे। उस लिख में अधीर रंजन जी जब लिख पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक, इसकी बात नोट करते रहना थी। बाहर देखो इन बुल्ले को। If anything wrong, अभी रोड पढ़ रहे थे सर इसरो ने। Please you take your seat. 1975 से अब तक 52 इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि बीजेपी सांसद ने दानिश अली पर कटे शब्दों पर बयान दिए हैं। जी हां दर्शकों, आपको बता दें कि जिस तरीके से संसद की सभाएं चल रही हैं और संसद की सभा में बीजेपी के सांसद रमेश ने उठकर गालियां दे दी दानिश अली को, उन पर ऐसे कथित बातें कही जिसको सुनकर सब हैरान रह गए। दर्शकों आपको साफ तौर पर बता दें कि किस तरीके से वो गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में खुद देखिए जरा कि दानिश अली ने खड़े हुए और तमाम ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसद के अंदर नहीं कहने चाहिए थे। अब शब्द बोले, गालियां दी, यहां तक कि उन्हें उग्रवादी के साथ साथ आतंकवादी भी बोल दिया। जी हां दर्शकों, इस वक्त की बड़ी खबर आप बताया कि रमेश ने बीजेपी के जो सांसद है, बीजेपी के सांसद रमेश ने दानिश को अली को ऐसे शब्द बोल दिए जो बीएसपी के सांसद है। इस प्रकार की बातें संसद के अंदर चल रही हैं, जबकि स्पीकर के बार बार रोके जाने पर भी नहीं रुक रहे और धमकी भरी बातें कह रहे हैं। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बाहर मिलना, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैंने तुम्हें यहां पर देख लिया है। इस कदर की बातें संसद के अंदर हो रही हैं। दर्शकों आप देखिए कि किस प्रकार से मोदी जी ने महिला आरक्षण की बात की, लेकिन उनके खेमे के नेता ऐसी बातों को कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और ऐसी बातें सुनकर सब कोई यहां पर सनसनी फैल गई है और स्पीकर तक उनको चुप करा रहे हैं, लेकिन वो चुप करने का नाम नहीं ले रहे। इस वक्त की बड़ी खबर यही आपको बता दें हम कि दानिश अली को गाली दे दी बीजेपी सांसद ने। जी हां, बीजेपी के नेता ने गाली दे दी और कटे शब्दों पर ऐसी बातें कही जिसको सुनकर सब हैरान रह गए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब सिरे? नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए भड़वे, ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। इट इज फॉर पीस। ए उग्रवादी बोले नहीं तो आगे भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिदुरी सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ। अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिख पढ़ रहे थे। उस लिख में अधीर रंजन जी जब लिख पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक, इसकी बात नोट करते रहना थी। बाहर देखो इन बुल्ले को। If anything wrong, अभी रोड पढ़ रहे थे सर इसरो ने। Please you take your seat. 1975 से अब तक 52 परसेंट।